ड्रोन सेटअप किया था ना वो टूट चुका है, हम जुगाड़ कर रहे हैं ना वो आज नेक्स्ट लेवल का, मतलब प्रो लेवल है। तो चॉकलेट्स है, पहले शूट करूंगा फिर खा लूंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू नॉटी क्रू। और आज हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे। तो ये हमारी लोकेशन है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। सेफ और हेल्दी मैं भी हूं। तो आज हम चलते हैं कुछ इंडोर शूट की तरफ और कुछ चलेंगे आउटडोर की शूट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं इंडोर शूट और दिखाता हूं हम लोगों ने आखिर सेटअप बनाया कैसा है। आओ राहुल। ओहो, देखता है इतनी गर्मी है ना भाई साहब, बैंड बजी पड़ी है। वैसे तो ये मैम का घर है पर हम लोगों ने जुगाड़ करके ना इंडोर का सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे। आओ सो गाइस, देखो यहाँ पे हमने जुगाड़ करके ना इंडोर का सेटअप बनाया हुआ है। एक ब्लैक कलर का कर्टन लगाया हुआ है, एक रिंग लाइट है, बस इसके अलावा हमारे पास में ना कुछ भी नहीं है। तो फाइनली देखना अभी आप के इसके अंदर ना क्या लुक आता है और क्या हमने शूट किया है। तो मैं शूट करके दिखाता हूँ अभी आपको। फाइनली जो हमने बैकग्राउंड सेटअप किया था ना वो टूट चुका है। तो इस शूट के लिए ना जो हम जुगाड़ कर रहे हैं ना वो आज नेक्स्ट लेवल का, मतलब प्रो लेवल है। राहुल जुगाड़ देखा। ये देखो ये हमारा, मतलब जिसे कहते हैं ना शूट कम हमने जुगाड़ ज़्यादा कर रखा है। तो पता नहीं मुझे शूट पे क्या रिजल्ट आएगा और क्या फोटोज आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बट फिर भी ना हम ट्राई करेंगे इंडोर शूट के लिए क्या है सेटअप है। मतलब एक उसने उधर से पर्दा पकड़ा हुआ है, एक मैम ने पर्दा पकड़ा हुआ है, मतलब फुल ऑन कार्टून बनती है। तो मैं ना अब शॉट जो लूँगा वो डालूंगा, तो ये आप देख के बताओ कि शॉट आया कैसा है। कुछ फोटो पोर्ट्रेट पे होंगे और कुछ फोटोज हमारी लैंडस्केप पे होंगे। अब जो मैं शॉट बनाने वाला हूँ ना उसके लिए मैंने 50mm का लेंस लगा दिया है और अपर्चर अराउंड में ले गया हूँ अपर्चर ले गया हूँ मैं 3.2 पे, ठीक है। तो अब मैं जो करूँगा वो आप कॉपी कर सकते हो मेरे को देख के। ये मैंने यहाँ से ये चुन्नी यहाँ से उठा ली। और राहुल एक बार आके शॉट दिखा देना क्या शॉट आएगा। अंडर फोटो है एक तरफ से, ये देखो एक तरफ से लाइट है फेस पे और एक तरफ लाइट नहीं है, तो कट लाइट शॉट बोलते हैं हम इसको। तो अब जो मैं शॉट लूँगा पोर्ट्रेट मोड पे लूँगा और लैंडस्केप पे भी, दोनों फोटो आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो ना शूट करते करते ना अभी एक मेरे पास फूड शूट का भी काम आ गया है, ठीक है। तो वैसे चॉकलेट्स हैं, पहले शूट करूँगा फिर खा जाऊँगा। तो अभी शूट करके मैं दिखाता हूँ। सिंपली वही 50mm का लेंस लगा रखा है, फ्लैश मैंने टिल्ट कर दिया ऊपर की तरह, तो शूट हमारा ये रहा।
सो गाइस इंडोर शूट हमने जैसे तैसे निपटा लिया है जुगाड़ करके, और हालत देख रहे हो, बाल वाल सब दिख रहे हो, पसीना, गर्मी बैंड बजी हुई है यार। तो अब जो हम शॉट लेंगे, मतलब इंडोर तो हमने कंप्लीट कर लिया है किसी तरीके से, तो अब हम जो हम शॉट लेंगे वो आउटडोर की लेंगे। आउटडोर में जो इसका सेटअप आएगा ना, थोड़ा सा और अच्छे निखर के आएगा, तो थोड़ा सा और वेट करो और आउटडोर के फ़ोटोज़ को एंजॉय करो। गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए अब हम आउटडोर शूट की तरफ चलते हैं। आउट ओहो गाइस 4 बज रहे हैं, 4 चल रहा हूँ, बैठ गाड़ी में, उधर से आ जा। सो गाइज हम आउटडोर लोकेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे एक पार्क है और 50 mm मैंने वापस लगा लिया है शूट करने के लिए, तो फटाफट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और कहाँ पे हम शूट करते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बंद कर दिया कैमरा भैया। ओह माय गॉड, सो गाइज शाम के 4:30 हो गए हैं इस टाइम पे देखो, और हमने बहुत 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 अच्छा शूट किया है एक पार्क में, ओनली ऑन बस, ना कोई प्रॉप्स यूज़ करे ना कुछ, सिर्फ एक सनग्लासेस यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने 50 mm का सिर्फ यूज़ किया है इस पूरे के पूरे शूट में। जो मॉडल है वो कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है, बट उन्होंने अपना 101% दिया इस वाले शूट में। तो आप मेरे शूट एंजॉय करो और जुड़े रहो मेरे हर ब्लॉग के साथ में। बाय।